हेलो बच्चों आप सभी को राजधानी फैमिली के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो मैं आज का सेशन जो कल का सेशन था उसी का आज पार्ट टू होने वाला है तो आज हम लोग मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सिस्टमिक से एक सिस्टम वे में जो पढ़ते आ रहे हैं वही सिस्टम के साथ हम लोग चलने वाले हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप मैथ की दुनिया में आप ही गर्दा मचाओगे जी हाँ मैथ की दुनिया में हमारे साथ चलकर आप गर्दा मचाने वाले हो तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक देखे थे उसका नेक्स्ट प्रयास करते हैं देखने का चलिए तो हम लोग सेवन तक देख लिए था सेवन तक हम लोग देख चुके थे आठ नंबर क्वेश्चन में आए थे कि आठ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है चलिए तो आठ नंबर में है माना कि माना कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है ये आपका कोई मैट्रिक्स दे दिया है और मैट्रिक्स दे दिया है तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कह रहा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है तो हमको चुनना है कि सत्य कौन है पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ए एक विकर्ण आयु है लेकिन आदिश आयु नहीं है सबसे पहले दिमाग में रखना है कि विकर्ण आयु का मतलब क्या होता है कि विकर्ण आयु के मतलब आपका विकर्ण आयु के मतलब कि मुख्य विकर्ण वाला अवयव के अलावा मुख्य विकर्ण के अः अवयव के अलावा बाकी सब शून्य रहे होता है किसका तो यहाँ पर विकर्ण आयु का विकर्ण आयु का मुख्य विकर्ण के अलावा सभी होना चाहिए क्या जी तो शून्य होना चाहिए क्या होना चाहिए जी शून्य होना चाहिए तो यहाँ पर देख रहे हैं होंगे कि मुख्य विकर्ण यही है मेरा और मुख्य विकर्ण के अलावा क्या है सब है शून्य अब ये क्या कह रहा है लेकिन आदिश आयु नहीं है आदिश आयु नहीं है तो आदिश आयु को हम लोगों को समझना है तो आदिश आबु क्या कहता है आदिश आयु ये कहता है कि मुख्य विकर्ण का सभी अवयव क्या होना चाहिए एक समान होना चाहिए तो क्या आप लोगों को दिख रहा है कि एक समान है यहाँ पर टू है थ्री है माइनस वन है बाबू तब तो कैसे होगा बताओ यहाँ पर आदिश आबयु नहीं होगा तो आदिश आबयु नहीं है मतलब कि और कंडीशन दूसरा पहले पढ़ लो ऐसा नहीं कि देखें इसको टिक मार दिए सही जवाब नहीं ऐसा नहीं करना है देख लो कंडीशन दूसरा क्या कहता है कंडीशन दूसरा देखना है बाबू तो यहाँ पर कंडीशन दूसरा में कह रहा है दूसरा में कंडीशन कह रहा है बाबू कि यहाँ पर ए एक आदिश आवयु है देखा है अभी आदिश आवयु है जी यहाँ पर बीच में एक जैसा है नहीं टू हल थ्री हल माइनस वन हल होते हो नहीं होते यहाँ पर न होते तो यहाँ पर अगला देखो क्या है अगला ए एक विकर्ण अवयु है सही बात सही बात है विकर्णाब्यू है आदिश आबयु दोनों है आदिश अबियु भी है विकर्णाबियु आदिश आबयु दोनों है नहीं बाबू यहाँ पर यह जो है केवल और केवल विकर्णाब्यू है क्या है जी विकर्ण आबियु विकर्ण्यू है मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही था ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही था ए एक विकर्ण आवयु है लेकिन आदिश आवयु नहीं है चलिए उम्मीद हमें है कि आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब सटीक जवाब आपका उत्तर मिल गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू ऑप्शन नौ नंबर नौ नंबर में देखना दिख, है नौ नंबर क्या कहता है नौ नंबर ये कहता है कि ए यदि एक पंक्ति आयु है ए पंक्ति तथा स्तंभ आवियु दोनों है मतलब कि पंक्ति आवियु पंक्ति कहे तो रो और यहाँ पर स्तंभ 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 बोले तो तो कॉलम और दोनों है का कोटि क्या होगा मैंने कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट में अगर वीडियो जाके नहीं देखा है तो अभी जाके उसको देखो है ना अभी थोड़ा सा आगे हो वीडियो पर तो ये वीडियो थोड़ा सा समझ लो है ना तो आगे वाला वीडियो हम लोग देख लेंगे चलिए आ, तो आपको ये समझना है कि पंक्ति अभी भी होना चाहिए तो पंक्ति अभी कब होता है कि ये आपका केवल और केवल उसमें क्या होना चाहिए केवल और केवल क्या होना चाहिए उसमें एक रो होना चाहिए तो एक रो दे दिए एक रो एक रो और यहाँ पर कॉलम कितना होना चाहिए कॉलम भी होना चाहिए मतलब कि कॉलम भी एगो है तो एक कॉलम एक कॉलम और एक रो है तो एक कॉलम और एक रो वाला क्या होगा यहाँ पर एक रो और एक कॉलम तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या जी तो यहाँ पर पंक्ति आव्यू पंक्ति आव्यू और यहाँ पर स्तंभ आव्यू मतलब कि ये हो जाएगा इस प्रकार से इसका क्या कह रहा है कोटी तो वन बाई वन वन बाई वन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर टू भी हो सकता है और फाइव भी हो सकता है और आपको टेन भी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है हाँ तो यहां पर कोटी क्या हो जाएगा वन बाई वन हो जाएगा चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस में क्वेश्चन नंबर दस में थोड़ा सा देखो आराम से है ना आ, आप क्या करो ना थोड़ा बहुत अगर दिखता नहीं है तो आप अपने किताब को अपने सामने रखो और थोड़ा सा किताब में देखो और यहां पर देखो और समझने की कोशिश करो क्या ये दोनों सेम है ना सेम ही होगा सेम ही होगा लेकिन आपको किताब से बिल्कुल आपका दिमाग ठीक तरीका से काम करेगा हो सकता है कि यहां पर अच्छी तरीका से नहीं दिख रहा हो लेकिन आपका किताब में बिल्कुल क्लियर दिखेगा इसलिए किताब भी और ये साथ रखिए है ना यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि कितना का है नहीं है चलिए दस नंबर में दस नंबर में ये कह रहा था कि माना की माना की एक आबियु दिया हुआ है इस प्रकार से एक अबियु दे दिया है और बी में भी दे दिया है बी में भी दे दिया है एक अबियु तो अबियु ए और अबियु बी अब अब क्या कह रहा है इसको पढ़ो है ना आवयु क्या कह रहा है इसको पढ़ो यहाँ पर कह रहा है पहला नंबर में कि एक आबुह का कोटि क्या है तो एक आबयु का कोटि चलिए हम लोग देखेंगे है ना पहला का ए का कोटी कोटी हम लोग जानते हैं क्या जी रो की संख्या रो की संख्या रो की संख्या और कॉलम की संख्या रो की संख्या और कॉलम की संख्या पहला में जरा देखो पहला में पहला में यहाँ पर एक वाला में एक कह रहा है तो एक इसमें क्या कह रहा है कोटी तो कोटी के मतलब क्या हुआ रो कितना है? मतलब है एक रो दो रो तीन रो एक रो दो रो तीन रो और यहाँ पर एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम तो यहाँ पर तीन बाई तीन इसका कोटि क्या हो जाएगा तीन बाई तीन हो जाएगा तीन एक नंबर का तीन बाई तीन चलिए दो नंबर में देखो दो नंबर में क्या है बाबू दो नंबर में क्या कर रहा है कि ए टू थ्री ए टू थ्री इ कोई अभी अब दिया हुआ है टू थ्री तो टू थ्री का मतलब क्या कि यहाँ पर दूसरा रो और कॉलम तीसरा दूसरा रो कॉलम तीसरा दूसरा रो और कॉलम क्या है तीसरा माइनस सिक्स है माइनस सिक्स है तो माइनस सिक्स हो जाएगा चलिए माइनस सिक्स है हाँ और आगे क्या कर रहा है इसको भी हम लोग सीखेंगे आगे क्या कर रहा है आगे ये कह रहा है तीन नंबर में तीन नंबर में ये कह रहा है कि ए थ्री वन तो ए थ्री वन थ्री कहाँ गया थ्री थ्री वन थ्री के मतलब तीसरा रो तीसरा रो और कॉलम कॉलम पहला कॉलम तो यहाँ पर नौ हो जाएगा बाबू नौ हो जाएगा बड़ा आसान है है ना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल हम लोग से पढ़ रहे हैं जो है ना और उसके बाद हम लोग देखते हैं तीन नंबर में तीन नंबर में क्या है जी बी का कोटी बी का कोटी अब देखो बी है अभी देखना यहाँ पर अभी बी है ये तो बी का कोटी कोटी देखो तो यहाँ पर एक रो दो रो तीन रो रो कितना हुआ तीन तो यहाँ पर यहाँ पर तीन तीन लिखो तीन। उसके बाद कॉलम कह गो जी तो एक गो कि बी में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या बस थ्री मल्टीप्लाई फोर कर दो कितना हो जाएगा बारह तो बारह अवयव हो जाएगा इसमें बारह अवयव हो जाएगा बारह अवयव अगर ऐसे आपको अगर लग रहा है डिस्टर्ब तो आपको गिन लो यहाँ पर वन टू थ्री फोर आप फोर है फिर फोर फोर बारह ऐसा ही होगा है ना वैसे करो चाहे ऐसे करो आपका वही आएगा आंसर है ना वही आएगा आंसर हमें लगता है बड़ा आसान है खाली कोटी को मल्टीप्लाई कर देंगे कोटी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बस वही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट में क्या कहता है छ नंबर में देखते हैं छ नंबर में क्या कहता है अब अब हाँ अब बी वन B13 और B21 इस प्रकार से सभी को लिखने बोल रहा है तो लिख देंगे हम लोग है ना B B13 क्या है देख लेते हैं इसको चलिए B13 वन थ्री वन वन मतलब पहला रो पहला रो और कॉलम तीसरा उन्नीस है उन्नीस लिखो उसके बाद क्या है जी यहाँ पर B21 टू तो टू दूसरा रो दूसरा रो और कॉलम माँ पहला ये है पैंतीस पैंतीस लिखो उसके बाद क्या है B33 थ्री थ्री है B33 थ्री थ्री है तो यहाँ पर थ्री आया तीसरा रो और कॉलम तीसरा माइनस फाइव है माइनस फाइव लिखो उसके बाद टू और फोर टू और फोर तो यहाँ पर टू मतलब दूसरा रो दूसरा रो और कॉलम चौथा मतलब बारह है बारह है उसके बाद बी टू थ्री बी टू थ्री तो टू का मतलब दूसरा रो दूसरा रो दूसरा रो कॉलम तीसरा फाइव बटा टू फाइव बटा टू चलिए इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे ये क्वेश्चन का जवाब आपने बिल्कुल आप सही सटीक और जा रहे हैं चलिए हाँ तो हम लोग ग्यारह नंबर आपको क्वेश्चन देखेंगे अभी अभी मैंने दस क्वेश्चन तक मैंने देखा है दस क्वेश्चन तक मैंने देखा है और दस क्वेश्चन देखने के बाद हमें लगता है कि आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हो दोस्तों के पास शेयर कर देना और ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए और मैं आपको इसी तरीका के कंटेंट देने में आप मैं सक्षम रहूं और मैं आपको देता रहूं चलिए हम लोग देखते हैं ग्यारह नंबर ग्यारह नंबर में क्या कहता है बाबू तो ग्यारह नंबर में सुधा और उसकी दो सहेलियां साइदा तथा सिमरन पास के पास पुस्तकों तथा कलमों की संख्या के बारे में निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें कहता है कि यहाँ पर सुधा सुधा नाम की कोई लड़की है और उसका दो सहेलियाँ उसके पास दो सहेली है अरे हमार फ्रेंड रहता है कि नहीं दो तो वहाँ पर लड़की में भी लड़की में उसका फ्रेंड है ना उसका सहेलियाँ क्या यहाँ पर जिसका नाम है साइदा सायदा और सिमरन लड़की कोई है सुधा नाम के और सुधा नाम के कोई लड़की होकर आपका सहेली जिसको बोलते हैं फ्रेंड तो उसका फ्रेंड है साइदा और सिमरन के पास पुस्तक और कलमों की कुछ दिया है और इसके बारे में हम लोग समझना है देखिए यहाँ पर सुधा साइदा सिमरन इस प्रकार से है और कह रहा है पुस्तकों की संख्या समझना है देखना पुस्तकों की संख्या तब पुस्तकों की संख्या इस प्रकार से सुधा के पास पंद्रह पुस्तक कलमों की संख्या छः सुधा के पास पंद्रह पुस्तक और कलमों की संख्या छः और सायदा के पास साइदा के पास दस पुस्तक और कलमों की संख्या दो और सिमरन के पास तेईस पुस्तक और कलमों की संख्या फाइव है अब क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए सूचनाओं को थ्री बाई टू थ्री बाई टू अवयव के रूप में लिखें तो थ्री बाई टू के अवयव के रूप में लिख देंगे पंद्रह है उसके बाद दस है उसके बाद तेरह है उसके बाद छः है और दो है और यहाँ पर फाइव है तो ये थ्री बाई टू के मल्टीपल में लिखा गया थ्री बाई टू के फॉर्म में लिखा गया ये तो हम लोग अब लिख दिए अब क्या कर रहा है दूसरी पंक्ति पंक्ति कैमा दूसरा पंक्ति कैमा दूसरा दूसरा पंक्ति ये है दूसरा पंक्ति ये है पहले स्तंभ की प्राइवोरिस्टी क्या प्रकट करती है तो यहाँ पर दूस आपका क्या है दूसरा पंक्ति दूसरा पंक्ति दूसरा पंक्ति और आपका पहले स्तंभ स्तंभ पहला स्तंभ पहला और पंक्ति दूसरा तो यही ना दस है तो दस क्या क्या इसको करता है क्या प्रकट करती है ये प्रकट करता है कि साइदा के पास सायदा के पास पुस्तकों पुस्तकों की संख्या दस है सायदा के पास पुस्तक की संख्या दस है तो हम लोग लिख देंगे सायदा सायदा के पास पुस्तक है ना सायदा के पास है ना सायदा के पास है ना पुस्तक पुस्तक कितना तो दस यही प्रकट करती है चलिए यही प्रकट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब दो अब क्या कर रहा है है ना इसका चेंज हुआ टाइप चेंज हो रहा है यहां से टाइप चेंज हो रहा है यहां से और इस टाइप में हम लोग सीखेंगे क्या लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ है दो आयु के समानता पर आधारित प्रश्न है ना समानता पर इक्वालिटी ऑफ है ना टू मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स तो हम लोग आ, इक्वालिटी पर हम लोग बनाए थे कई सारे सवाल को मैंने एग्जाम्पल में मैंने करवाए थे जब हम लोग कंसेप्ट आपको दे रहे थे तब चलिए तो हम लोग कंसेप्ट तो पढ़ लिया बाबू उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या आपका एक्स और बाई का माल निकालने का रहा है x और y का मान निकालने का रहा है तो निकाल लेंगे फटाक सा यहाँ पर बताए थे बताए थे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वो होता है वो होता है जिसका कोटि समान हो दो मैट्रिक्स वैसा दो मैट्रिक्स जिसका कोटि समान हो तो कोटि देखो दिया हुआ है कोटि इसका कितना है दो बाई दो इसका कोटि क्या है दो बाई दो समान है बिल्कुल समान है उसका संगत अवयव उसके संगत अवयव जरा देखो अवयव अवयव है ना अवयव अवयव समान होता है तो अवयव समान होता है जरा देखो अवयव यहाँ पर अवयव तो क्या करेंगे कि इसके जगह पर x प्लस बाई की जगह पर क्या है जरा देखिए x प्लस बाई के बराबर में क्या है थ्री है थ्री को लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर इसको क्यों लिखेंगे इससे तो हमें लेना देना नहीं है वन के बराबर वन लिखोगे तो कोई दिक्कत होगा कोई दिक्कत मतलब कि ऐबे नहीं करेगा जो चाहिए हमको जो चाहिए हमको वो नहीं आएगा इसलिए x माइनस बराबर क्या लिखेंगे वन यहाँ वन नहीं सेवन 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 सॉरी सेवन लिखेंगे सेवन लिखेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर टू और टू के है फॉर्म में टू टू के फॉर्म में है तो यहाँ पर टू टू के लेंगे तो यहाँ पर एक माइनस एक माइनस बाई बराबर कितना जी सेवन समीकरण एक बाबू समीकरण दो उसके बाद इसको हम लोग हल कर लेंगे मतलब कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं टेंथ क्लास से टेंथ क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि समीकरण को कैसे हल करते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस है प्लस और माइनस है जोड़ने पर लिख देंगे जोड़ने पर जोड़ने पर इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस ये कैंसिल एक्स एक्स टू एक्स यहाँ पर सेवन और थ्री क्या सेवन थ्री टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा टेन बटा टू यहाँ पर क्या फाइव टू जा टेन फाइव टू जा टेन मतलब एक्स बराबर फाइव एक्स बराबर फाइव अब एक्स का मान हम लोग रख देंगे एक्स का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर एक में रखने पर देखो हम लोग एक में भी रख सकते हैं और दो में भी, भी रख सकते हैं एक से भी उतना ही आएगा और दो से भी उतना ही आएगा इसलिए किसी में भी हम लोग रखेंगे चलिए एक में रख देते हैं तो एक का मान फाइव तो यहाँ पर फाइव और प्लस बाई और बराबर में थ्री बाई बराबर थ्री इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और यहाँ पर थ्री में फाइव जाएगा तो माइनस टू एक बराबर आपका फाइव और एक बराबर फाइव और बाई बराबर माइनस टू तो हम लोग यहाँ पर एक बराबर भर देंगे एक्स बराबर फाइव और बाई बराबर माइनस टू इस प्रकार से ये सब कंप्लीट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू हाँ क्वेश्चन नंबर टू में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और थोड़ा सा आपको समझना है हाँ अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पुस्तक को है ना बुक को अपने साथ रखें है ना ताकि कहीं भी आपको दिखने में प्रॉब्लम हो तो अपना बुक से आप देखकर है ना बनाओ और समझो है ना हो सकता है आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन पुस्तक को साथ रखोगे तो ठीक रहेगा बढ़िया रहेगा समझने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा <coughs> चलिए हाँ हम लोग आ, आपका दो नंबर देखने वाले हैं तो दो नंबर में क्या करना है कि ये उसी प्रकार से है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो ये बराबर बराबर ये है कह रहा है पी तथा क्यू के नियामक कर्मश इतना और इतना है तो पी क्यू देखो पहले फॉर्मेट को समझो पहले क्या कहना चाहता है समझो उसके बाद उस पर हम चोट करेंगे पहले हम लोग समझना है कि क्वेश्चन करना क्या कहता है देखिए कि यहाँ पर x और y और x1 और y1 इस पी क्यू का कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट नेट है तो x और y का मान निकल जाएगा पहले समझना है यहाँ पर x y का मान लिया जाए टू आया और यहाँ पर y का मान थ्री आया यहाँ पर मान लिए हम हम लोग कहाँ से लाए हैं तो मान लिए सिर्फ बस हम मान लिए हैं अभी फिलहाल के लिए मानो यहाँ पर टू थ्री आया है और एक वन और बाई वन के मान लिया जाए फोर और फाइव आया है इस प्रकार से मान लिए अब यहाँ पर पी है यहाँ पर क्यू है तो पी क्यू का क्या नियामक यहाँ है तो पी क्यू बराबर क्या होगा पी क्यू बराबर हम लोग फार्मूला टेन से ही पढ़ते आ रहे हैं पी क्यू के दूरी कह रहा है ये पी क्यू के दूरी कह रहा है मतलब कि एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर और प्लस y2 टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर इस प्रकार से तो इस प्रकार से हुआ है ना तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको एक्स का बाई का एक्स वन का बाई वन का मान निकाल लेते हैं चलिए यहाँ पर समझते हैं हम लोग यहाँ पर एक्स माइनस बाई बराबर क्या है जरा आप बोलो आप बोलो मुझे हाँ एक्स माइनस बाई बराबर आपका माइनस वन है उसके बाद टू एक्स माइनस बाई बराबर क्या है जीरो है टू एक्स माइनस बाई ब क्या है जीरो है समीकरण एक समीकरण दो चलिए इससे हम लोग निकाल लेते हैं एक्स और बाई का मान चलिए देखिए माइनस माइनस है घटाने पर माइनस माइनस है घटाने पर घटाने पर घटाने पर है तो हम लोग चिन्ह चेंज हो जाता है प्लस में है माइनस में माइनस में है प्लस में और ये तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस का अपना चिन्ह नहीं होता है जीरो का चलिए अब इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल और उसके बाद एक्स में टू इस घटा घटेगा तो माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस वन में जीरो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस से माइनस कैंसिल एक्स बराबर वन एक्स बराबर क्या आ जाएगा वन आ जाएगा तो एक्स का मान हम लोग समीकरण एक में भी रख सकते हैं दो में रख सकते हैं किसी में भी तो आ जाओ यहाँ पर एक्स बराबर वन रख देते हैं वन माइनस बाई और बराबर माइनस वन यहाँ पर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में बाई बराबर यहाँ पर माइनस वन बाई बराबर माइनस वन इधर आएगा माइनस तो बाई बराबर माइनस 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 टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा बाई बराबर टू आया मतलब कि एक्स बराबर क्या जी तो वन और बाई बराबर क्या जी टू तो हम लोग एक्स और बाई का मान निकाले हैं तो देखो यहाँ पर एक्स बाई का कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दो तो वन और क्या जी टू वन और टू इसको मान लेते हैं p तो ये p का फॉर्म में आया अब एक्स वन और बाई वन निकालने की कोशिश करो तो जब निकालेंगे हम लोग एक्स वन और बाई वन तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना है है ना चलिए यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर टू एक्स माइनस एक्स वन बराबर कितना है फाइव फाइव देंगे उसके बाद नीचे में क्या है थ्री एक्स और माइ प्लस प्लस बाई वन बराबर में क्या है तेरह है तेरह है तो तेरह हम लोग की अब हम लोग क्या करेंगे जी कि एक्स का मान हम लोग जानते हैं और बाई का मान हम लोग जानते हैं तो एक्स का मान हमें रख देना है तो x का मान हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। तो x का मान जब रखेंगे वन तो टू हो जाएगा और वन और माइनस एक्स वन और यहाँ पर फाइव अब ज़रा देखना कि टू जब मल्टीप्लाई होगा वन में टू उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस एक्स वन बराबर में फाइव और माइनस टू यानी कि आपका माइनस एक्स वन बराबर में थ्री और यहाँ पर एक्स वन बराबर में माइनस थ्री ये आ गया क्या एक्स वन बराबर अब इसमें हम लोग रखते हैं इसमें है ना? तो और बाई और यहां पर क्या है तेरा। आप जरा देखना मल्टीप्लाई होगा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा तेरह और तीन उधर जाएगा तो तीन आया मतलब कि यहाँ पर बचेगा कितना दस तो बाय बराबर दस बाय वन बराबर दस तो यहाँ पर क्यू के फॉर्मेट में लिखेंगे क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आया जी तो एक्स वन बराबर माइनस थ्री माइनस थ्री और बाई वन बराबर क्या आया जी टेन आया तो टेन तो यहाँ पर पी क्यू निकला आप कह रहा है पी क्यू निकालने का रहा है पी क्यू कह रहा है निकालने तो पी क्यू नियामक वाला हम लोग टेन वाला याद करो बचपन का बचपन का है ना बचपन में जो हम लोग पढ़े थे चलिए तो यहाँ पर पी क्यू क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन के होल स्क्वायर चलिए यहाँ पर इस फार्मूला के रूप में पढ़े थे अब कहोगे यहाँ पर एक्स टू क्या है सर जी एक्स टू टू मिल नहीं रहा है तो एक्स टू क्या है इसमें जरा देखना है पी क्यू है तो एक्स वन इसको मान लेते हैं तो एक्स टू होगा तो एक्स टू माइनस थ्री और माइनस एक्स वन क्या एक्स वन ये तो वन इसका होल स्क्वायर प्लस बाई टू क्या है तो बाई टू इसको मान लेते हैं बाई टू तो बाई टू क्या है टेन और यहाँ पर माइनस बाई वन क्या तो टू तो तो इसका होल स्क्वायर अब जरा देखो यहाँ पर बड़ा आसान हो गया माइनस थ्री और माइनस वन क्या माइनस फोर तो माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस और टेन और माइनस टू क्या हो जाएगा एट एट का स्क्वायर अब जरा समझना ध्यान से समझना क्या हो जाएगा कि जब माइनस फोर का स्क्वायर करोगे तो सोलह आएगा माइनस फोर का स्क्वायर करोगे क्या आएगा है? सोलह आएगा अगर फोर का भी स्क्वायर करोगे तो सोलह ही आएगा चलिए यहाँ पर एट का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा एट का चौसठ एट का चौसठ चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं कि 64 और सोलह जोड़ क्या आता है 64 और सोलह इसमें छः जोड़ देंगे हो जाएगा सत्तर और यहाँ पर अस्सी मतलब अस्सी हो जाएगा तो अस्सी हो जाएगा तो अब यहाँ पर रूट अस्सी निकलेगा निकाल दो यहाँ पर कितना से निकलेगा चार चौका सोलह चार चौका सोलह और यहाँ पर सोलह पच्चीस अस्सी मतलब कि चार रूट फाइव इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सही जवाब होगा सही जवाब होगा है ना फोर रोटो फाइव चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तेरह नंबर क्वेश्चन तेरह नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है हर क्वेश्चन की तरह मैं बनाता आ रहा हूँ और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है चलिए हम लोग देखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन तेरह नंबर क्वेश्चन तेरह नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तेरह नंबर में क्वेश्चन में एक माइनस बाई ब माइनस वन उसके बाद इस प्रकार से दिया दिए बराबर संगत अवयव का हम लोग बराबर खाली कर देंगे संगत अवयव का बराबर कर देंगे उसके बाद एक बाई जेड और ओमेगा ये क्या है बाबू ओमेगा इसको पढ़ते हैं हम लोग है ना डब्ल्यू नहीं पढ़ देना अगर डब्ल्यू पढ़ देगा तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा डब्लू ही पड़ देगा तो लेकिन बाद में कोई दिक्कत पहुंचा सकता है आपको इसलिए ये इसको जान लो ओमेगा है ओमेगा है चलिए संगत अवयव बराबर करना है संगत अवयव तो एक्स माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा जवाब देना यहाँ पर माइनस वन और यहाँ पर टू एक्स माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस बराबर क्या हो जाएगा तो जीरो जीरो अरे हाँ जीरो ठीक है ठीक है बारह बारह क्वेश्चन नंबर और तेरह एक ही जैसा है है ना उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे तो हल कर देते हैं इसको इसको हल कर देंगे जैसे मैंने बारह में किया वैसे ही तो करना है चलिए घटाने पर घटाने पर घटाने पर चलिए घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा इससे ये कैंसिल माइनस एक्स माइनस एक्स उसके बाद माइनस वन माइनस से माइनस कैंसिल एक्स बराबर वन तो एक्स बराबर वन आया बाई का मान हम लोग रख निकाल लेंगे, एक्स का मान हम लोग रखते हैं तो एक्स एक्स का मान रख दो रख दो डायरेक्टली है ना एक्स का मान समीकरण एक में है ना रखने पर रखने पर तो रख देते हैं वन और माइनस बाई बराबर माइनस वन चलिए माइनस बाई बराबर माइनस वन इधर प्लस में माइनस जाएगा तो यहाँ पर बाई बराबर क्या हो जाएगा बाई बराबर माइनस टू माइनस से माइनस कैंसिल बाई बराबर टू एक्स का भी मान निकाल लिए हम लोग और बाई का भी मान हम लोग निकाल लिए तो एक्स और बाई का मान तो क्लियर बचा क्या यहाँ पर जेड और ओमेगा का जेड और ओमेगा का देख लो यहाँ पर संगत अवयव को बराबर कर दो टू एक्स और प्लस जेड और बराबर में क्या है फाइव है इसको जेड है जेड समझना यहाँ पर जेड है टू इसको नहीं समझना। यहाँ पर टू थ्री थ्री जेड और यहाँ पर प्लस ओमेगा बराबर में क्या है तेरह है अब क्या करना है सर अब ये आपको करना है कि यहाँ पर x का मान तो हम लोग ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं तो हम लोग निकाल चुके हैं तो x का मान रख दो ना यहाँ पे रख देंगे चलिए यहाँ पर जेड और यहाँ पर फाइव अब यहाँ पर टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाई करेंगे टू उधर भेजेंगे आपका माइनस में जेड बराबर फाइव माइनस टू यहाँ पर थ्री इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा तो जेड बराबर आ गया कितना थ्री जेड बराबर थ्री आ गया तो आप जेड का मान इसमें रख दो तो यहाँ पर थ्री और जेड का मान थ्री उसके बाद प्लस ओमेगा और यहाँ पर तेरह यहाँ पर 3 तीन तिया के नौ माइनस में उधर भेज दो तो यहाँ पर तेरह माइनस नौ तेरह में नौ गया तो कितना जी तो यहाँ पर 4। चार नौ चार तेरह यानी कि ओमेगा बराबर इस प्रकार से एक्स का मान कितना आया तो वन बाई का मान कितना आया बाई का मान दो उसके बाद आपका जेड का मान तो जेड का मान क्या आया थ्री और ओमेगा का मान ओमेगा का मान क्या आया फोर तो इस प्रकार से ये सारा आ गया चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे चलिए मतलब आप चौदह नंबर में देखते हैं चौदह नंबर में आपको है ना हमें लगता है खुद बना लोगे इसको चौदह नंबर में चौदह नंबर आप खुद बना लेना इसे हाँ पंद्रह नंबर में थोड़ा सा अच्छा चौदह नंबर में एक देख लो देख लो चौदह नंबर में हो सकता है है ना हो सकता है कि आपसे ना बने लेकिन मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँ अवेलेबल हूँ बना दूँगा मैं चलिए हाँ चौदह नंबर चौदह नंबर हम बता देते हैं आपको है ना इसमें हो सकता है कि गड़बड़ा दो लेकिन गड़बड़ाना तो नहीं चाहिए यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर x प्लस वाई के फॉर्म में है यहाँ पर x इंटू बाई के फॉर्म में है तो x का मान निकलेंगे ना x का मान निकालेंगे और बाई का मान निकालेंगे जरा देखिए लो है हाँ ना देख लो कि संगत अवयव बराबर होगा संगत अवयव क्या होगा बराबर होगा तो एक्स और प्लस बाई बराबर क्या सिक्स सिक्स और यहाँ पर क्या है जी यहाँ पर फाइव और प्लस जेड तो फाइव और प्लस जेड लिख देते हैं फाइव और प्लस जेड बराबर क्या जी फाइव फाइव उसके बाद x प्लस बाई बराबर x प्लस एक्स इंटू बाई सॉरी यहाँ पर x इंटू बाई बराबर क्या है आपका आठ है तो आठ दे दिए आप ज़रा सोचना है और दिमाग लगाना है कैसे करना है जी तो देखो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे क्या तीन क्लास में प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बनाते थे तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करते थे कि एक्स का मान यहाँ पर कर दो ऐसे कि एक्स बराबर यहाँ पर छो और माइनस बाई हो सकता है ना छो माइनस बाई माइनस बाई को इधर कर दिए तो एक्स बराबर यहाँ पर रख देंगे छ माइनस बाई और यहाँ पर बाई और बराबर में आठ और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बाई को हम लोग गुना कर देते हैं तो बाई को जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर छः बाई और यहाँ पर माइनस बाई स्क्वायर और बराबर में आठ बराबर में आठ अब क्या करते हैं स्क्वायर वाला को हम लोग लिख देते हैं पहले स्क्वायर वाला को पहले और यहाँ प्लस सिक्स तो बाई उसके बाद यहाँ पर प्लस में इधर आएगा तो माइनस आठ और बराबर में जीरो देखो माइनस हम लोग कॉमन कॉमन कर लेते हैं बाई कॉमन किए तो माइनस हट जाएगा यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस रहता हो प्लस चलिए आठ और बराबर में जीरो बराबर में जीरो अब यहाँ पर छो को तोड़ना है छो को क्या करना है तोड़ना है तो यहाँ छो को तोड़ना है और आठ को आठ को हाँ इसको क्या करना है आठ को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद आठ आना चाहिए गुना करने के बाद कितना तो आठ आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद आना चाहिए छ बाई तो यहाँ पर आठ को आठ को करेंगे आठ को सॉरी आठ को करेंगे तो चार दूनी के आठ चार दूनी के आठ तो चार दूनी आठ हो रहा है और चार दू कितना तो छो तो माइनस माइनस कर लो यहाँ पर माइनस माइनस क्योंकि माइनस में है चलिए तो यहाँ पर बाई स्क्वायर और माइनस चार बाई और माइनस दो बाई और प्लस आठ बराबर में जीरो बाई हो जाएगा कॉमन तो बाई माइनस फोर बाई माइनस फोर और यहाँ पर माइनस टू और बाई माइनस फोर चलिए अब यहाँ पर बाई माइनस फोर बाई माइनस फोर एक एक जैसा है एक जैसा है कॉमन हो जाएगा बाई माइनस फोर और यहाँ पर बाई माइनस टू और बराबर में जीरो देखो क्या करो ना यहाँ पर करना क्या है एक बार बाई माइनस फोर बराबर में जीरो कर दो और यहाँ पर एक बार एक बार, बार बाई माइनस टू बराबर जीरो कर दो तो यहाँ पर बाई बराबर क्या हो जाएगा फोर और यहाँ पर बाई बराबर क्या हो जाएगा टू बाई का मान दो दो आ गया जी बाई का मान दो दोगु आ गया जी तो बाई का मान दो आ गया है क्या करेंगे तो एक बार एक बार चार रख लेंगे एक बार दो रख लेंगे एक बार चार रख लेंगे एक बार दो रख लेंगे तो चार और दो रखेंगे कितना आएगा जरा देखो यहाँ पर एक्स प्लस बाई है तो एक्स प्लस बाई तो यहाँ पर एक्स प्लस बाई बाई का मान रखो फोर फोर रखोगे है ना फोर रखोगे तो बाई का मान फोर और बराबर में क्या है जी बराबर में सिक्स था ना अच्छा यहाँ पर है सिक्स सिक्स इधर आएगा तो एक्स बराबर यहाँ पर टू हो जाएगा एक्स बराबर टू हो जाएगा एक बार उसी प्रकार से बाई बराबर दो रखना है तो हमें लगता है कि आप रख लोगे है ना हमें लगता है कि आप इसे रख लोगे एक ए, एक बार बाई फोर रखना है एक बार दो रखना है हो जाएगा ना हो, जाएगा ना? हो जाना चाहिए चलिए और इसमें आते हैं फाइव प्लस जेड तो फाइव प्लस जेड का मान कैसे निकलेगा जी तो फाइव प्लस जेड अरे जेड का मान तो बड़ा आसान है है ना Z जेड और फाइव इधर है Uh, पाँच आएगा इधर माइनस में तो जेड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो जेड बराबर जीरो आ गया जेड बराबर जीरो आ गया चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी दो नंबर में आपसे जरूर से ज़रूर ये बनेगा इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है है ना बाई बराबर क्या बराबर करो तो चार यहाँ पर जेड बराबर क्या तो तीन यहाँ पर एक्स बराबर क्या तो एक बस सारा का सारा मामला तो यहीं पर आपको बता दिए हैं एक्स बाई बराबर जेड बराबर यहाँ पर एक्स बराबर चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग तीन नंबर में तीन नंबर में तीन नंबर में क्या है एक्स प्लस बाई प्लस जेड एक्स प्लस बाई प्लस जेड जेड बराबर में नौ है उसके बाद एक्स प्लस जेड बराबर में क्या है है, उसके बाद क्या है बाई और प्लस जेड पर सात है देखो इसको लग रहा देगा। अरे नहीं यार यहां पर। तीन रहे या चार रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर यहाँ पर जेड है और यहाँ पर जेड है जेड है और जेड है तो क्या करो इसका इसका तुलना कर दो है ना इसका इसका तुलना कर दो या तो दोनों लेकर चलो क्या है ना कि एक बराबर कर लो इधर x बराबर x बराबर यहाँ पर जेड बराबर कर लो जेड बराबर फाइव और फाइव इधर करेंगे तो माइनस एक्स माइनस एक्स चलिए माइनस एक्स जेड बराबर क्या आया तो यहाँ पर फाइव माइनस एक्स तो फाइव माइनस एक्स इसमें रख दे रख देते हैं समीकरण इसको एक मान लेते हैं इसको दो मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं तीन आएगा किससे जरा देखो कि यहाँ पर बाई फाइव और माइनस एक्स तो फाइव माइनस एक रख देंगे जेड बराबर तो एक्स प्लस बाई और जेड बराबर फाइव और माइनस जे फाइव और माइनस क्या है जी एक्स तो एक्स लिखेंगे और बराबर में नौ एक से एक्स कैंसिल हो जाएगा और बाई बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में यहाँ पर पाँच अब उसके बाद क्या होगा तो बाई ब चार आ जाएगा अब क्या करेंगे तो बाई ब चार आ गया तो अब आप बाई का मान इसमें रख दो इसमें तीन नंबर में किसी भी तरीका से तीन में रखो दो में रखो एक में रखो आएगा आंसर वही आएगा चलिए तो यहाँ पर तीन में हम लोग रखते हैं बाई का मान तीन में रखेंगे तो यहाँ पर फोर और प्लस जेड और बराबर में सेवन जेड बराबर क्या होगा तो यहाँ पर सेवन प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में फोर यहाँ पर तीन जेड बराबर आ गया तीन जेड बराबर कितना आ गया तीन आ गया तो हम लोग बाई का मान जेड का मान तो निकाल लिए हैं बाई का मन अब एक्स का मान निकालना है अब किसका निकालना है एक्स का मान निकालना है तो एक्स किस में है जरा देखो एक्स सेकेंड वाले है एक्स तो यहाँ पर जेड का मान रख देंगे एक्स अब प्लस जेड का मान क्या है? थीरी आया है थ्री आया थ्री और फाइव तो एक्स बराबर फाइव और माइनस थ्री एक्स बराबर क्या जी तो दो तो हम लोग इस तरीका से हम लोग सभी और बाई और जेड का मान निकाल लिए हैं जरा एक्स बराबर क्या आया है यहाँ पर लिख देते हैं सिस्टम से एक्स बराबर दो बाई बराबर क्या जी फोर जेड बराबर थ्री ए एक्स और बाई और जेड का मान इस प्रकार से आंसर चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा एक बार खुद से बनाओगे ना एक बार खुद से भी बनाना है वहाँ पर कॉपी पर ऐसा नहीं कि मोबाइल में देख रहे हो और बाद में छोड़ देना है ऐसा नहीं है ना खुद से एक बार ट्राई करना है तभी आपको आपको समझ में आएगा आप देख लोगे है ना समझ में आएगा देख लोगे समझ में आ जाएगा लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे भूल जाओगे इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना है चलिए लगता है हमें कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है तो मैं आज के लिए यहीं तक रहने देता हूँ मिलता हूँ आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद